जी। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से जयकारा लगाएंगे अपने अपने माता पिता के नाम से। हमर भैया मन, गुरुजन मन, बैठे आदरणीय बुजुर्ग मन, दादा मन, सियान मन, जो भी बैठे, बोलो अपने अपने माता पिता की, बोलो श्यावर रामचंद्र की।
वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंसामापि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाव, गुण गावो सिय राम के प्रभु हनुमत हो सहाय। लखन सिय राम चंद्र की जय। हे बाला जैसे जेकर मुकुट है, सूर्य मणि के दिव्य प्रकाश जैसे जेकर बिंदिया है, अरपा पैरी सोंढूर के गलकल कर धारा जैसन जेकर कर धनिया है, ऐसा सुंदर से राज्य छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के पावन धराधान्य विराजे धर्मग्राम पठारी रही, जिहा राम कथा मंदाकिनी सरिता प्रवाहित होते, ऐसा सरिता ला भागीरथ बन के आप सब लाए हो, चाहे तन के हो मन के हो धन के हो जैसे भी सहयोग प्रदान करे हो, वो सब महानुभाव मल्ला। कलयुग जैसे संसारिक युग में सत्संग करे के अवसर प्रदान करिया आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण, मानस बग्याला मधुरवाणी से पल्लवित करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गौरव आदरणीय निषाद भाई जी उद्घोषक महोदय, ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से गांव की गली गली खोर खोर तक बगाड़ने वाला साउंड सिस्टम के समस्त ऑपरेटर प्रोवाइडर कर्मचारी, गांव के जम्बू देवी देवता बुजुर्ग सियान बाल गोपाल नारी सबों के चरणारविंद में कौशल्या के राम मानस परिवार ग्राम इच्छा, जिला महासमुंद विकास खंड बाग बाहर के छोटे छोटे लेकर मन के डाले कोटी शहर में है, सादर प्रणाम है, सहदेव से क्या करें। चलो बाबा बालकांड दोहन नंबर 265 गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी। गौतम तिय गति सुर करी नहीं पर सती पग पानी, मन बिह से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। लखन सिय राम चंद्र की जय। सब अहंकारी राजा मन के अहंकार भगवान दूर करी, धनुष तोड़ के काबर वहां धनुष तोड़े पर सब राजा मन बैठे रही से, कई ताकत वाला राजा रही से, भारी ताकत वाला राजा अहंकारी राजा घलो रही से, और ऐसे ऐसे राजा घलो रही से जिस धनुष के तीर में जाना तो दूर धनुष देखना भी पसंद नहीं। सबके अहंकार भगवान दूर करिए, दधीची ऋषि के हड्डी से चार धनुष के निर्माण हो रही है, पिनाक सारंग वज्र गांडीव। जना कहा कह रही है कि जे हा प्रत्यंचा चढ़ाई ओकर साथ मोर बेटी के विवाह करना, हर साल रखे एक साल के बाद नहीं, हर साल वो स्वयंवर रखे, कोई ना कोई तो मिल ही कर लायक हर साल। एकर कारण बहुत इस काबर बताया जे धनुष भगवान तोड़ी, संत मन बताते एक तो माँ सीता अपन बाया हाथ में धनुष उठी इस पहली कारण, दूसरा कारण गार्डन में देखो एठी झूला रथे लड़का मन बैठे एती होती दूजन बैठे है ना, एक तरफ सीता बैठे और दस जन कहूं एक तरफ बैठ जाए फिर भी वो सीता हा उठे नहीं, ओकर वजन ज्यादा रहा है दूसरा कारण। तीसरा कारण कतको जन पूछिस धनुषे लगा तोड़वाना काबर चाहत रे कुछ भी और कहीं रख देते, तो भाई धनुष बल बस दे रही से बाण वाण तो देच नहीं रही से।
तीसरा कारण, महाराज जनक के संताप ला भगवान राम दूर करी और दूर करे के बाद सबके मन ल प्रसन्न करिस, आनंद करिस। अब बाल कांड का है तो विवाह के प्रसंग मिलिस। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम के लीला। जयमाला पहरा बरा रही सीता हा, भगवान सिर झुके कथे के लिए जयमाला पहना दे। सीता जी कहते नहीं पहना बेच नहीं करूं, काबर उत्का बेल ले ते मुला तरसाए, धनुष तोड़े में विलंब करे। अच्छा अब तहूं लब इसने भुगता हूं तब समझ में आही। राम कहते नहीं नहीं इसे मत कर, काबर तिकोनस। सीतल कहते तिकोनस और मैं कौन हूं, मैं हरु ज्ञान। ज्ञान पर आदमी ला देरी हो जाए, ज्ञान पाए पर आदमी ला देरी हो जाए, लेकिन भक्ति में जाए पर आदमी ला देरी मत हो। ते भक्ति हरस मैं ज्ञान हरो। ज्ञान अखंड एक सी सीतावर। किशोरी जी कोने तो भक्ति स्वरूप हरे, ज्ञान के मार्गम भरे विलंब हो जाए ये स्वाभाविक है, लेकिन भक्ति के और आदमी ला कभी भी विलंब नहीं होना चाहिए। काबर का भरोसा कथे की जयमाला पहरा दे। अच्छा एमे लिखिस गौतम तियगति सुरति करी नहीं परसत पग पानी और मन भी हिसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। सब समाज के मन बैठे रहा है, सब के सब देखत रहा है, भगवान इतना हंसी याद रहा है, इतना हंसी याद रहा है, लेकिन ओ हंसी ला मन ही मन दबा के रखे रहा है। काबे मर्यादा के साथ भी हंसना चाहिए। चार जन बैठे सम्मानी व्यक्ति बैठे है, कई जन बैठे है अब वो खलखला के हंस बैठ नहीं बनी है ना, लेकिन बात अब पूरा करे है भगवान। हाँ ये बात तो पूरा कई सभी जे मंडली बैठे रही से कथा कहत रही से ओंकार ही से याद करो। सुन के एवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहिसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। ओकर हंसी लेकिन यहू कर हंसी लेकिन कैसे तो मन ही मन। अच्छा ये जरूरी है कि काकरो से प्रेम करथन तो आंख से आंसू निकलते, आंख से आंसू निकलते तो भी प्रेम हरे। अब खलखला के हंसत हैं ये मन ही मन हंसत हैं तब प्रेम हरे। भगवान के प्रेम कैसे तो प्रीति अलौकिक। अच्छा अब का बरो नहीं छुअत रही से, जयमाला तो पहना डरीस अब पैर छूना है ओ समय ला याद करीस। का समय ला जे समय गौतम की नारी गौतम की पत्नी अहिल्या कारी सो पत्थरा। अब पथरा रही से कहीं ना कहीं सुनी सो ही कि पथरा में जब भगवान के चरण कमल पड़ गए तो एक सुंदर स्त्री बन गई या स्त्री बन गए। मैं तो एक से एक आभूषण पहने हूँ, अब आभूषण में अनेक प्रकार के रत्न जड़ित थे, कई प्रकार के पत्थर लगे हैं और मान में पैर लगा हूँ छी हूँ और पैर लगा हूँ छिये के बाद ये आभूषण जो रत्न जड़ित थे वो कहूँ चरण में लग गया कोई जगह लग गए और ये मन कहूँ मान लो स्त्री बन गए तब का हुई मोल। संयोग से तुरंत वियोग हो जाही और कोई वियोग नहीं चाहे। कब कतका समय तक इंतजार करती इसके कि उस समय कब आए जब भगवान उठे और उठ करके धनुष ल तोड़े, जो दिल में दुख रही से जो जनक के संताप रही से उस संताप दूर हो। भारी बेसब्री से इंतजार करता है। अब वो इंतजार कोई तो तरसावे, कोई कह चीज पर तरसावे ना तो बिल्कुल वो तो तरसाही। याद करते कि जब वो स्त्री बन गए अब मोर तो चरण कमल छुए के समय आए हैं तब मान लो कोई भी कुछ चीज पत्थर लग जाइए ओ यदि स्त्री बन गए तो मोर तो वियोग ही हो जाइए। अब एक हर ए प्रीति हरे प्रेम हर प्रीति अलौकिक जान मन भी से रघुवंश मनी जान रहे भगवान मन ही मन मुस्कुराए लग गए।
हंसे बल्लग के कि ठीक है। अमिला काकी से ही भगवान राम के अलौकिक प्रेम है। आओ ये प्रसंग में चिंतन करके प्रयास करो। छोटे से प्रसंग के पश्चात बोली राज रामचंद्र की जय। श्री प्रेम से बुलशियावरे रामचंद्र की जय। I'm not afraid.
प्रिंस गुलशियावर रामचंद्र की जय। सीता जी के जब प्रेम ला देखी भगवान राम कथे मन ही मन मुस्कुराए बन लगे और भगवान राम पूरा करके देखे जे हंसी ला आज मन में दबा के रखे है वो प्रेम ला एला एक दिन उजागर करते कब केवट कर जब केवट कर जाते तब केवट जब बात की इस केवट घरों का की इसकी चरण का मन मोला चाहिए। एक तरफ देखो सीता आज चरण कमल ला छुए बर डरत है और दूसरा तरफ केवट तरफ जाता तो केवट का की इसकी प्रभु मोला तो चरण कमल चाहिए। ओ बात का घलो भगवान याद करे सीता तरफ ला देखे और कहा का सीता देख जब चरण कमल छुए के पारी आईस तब ते छुअत नहीं रहे स्पर्श नहीं करत रहे और जब एकरा आए हैं तब यह चरण कमल न मांगत है। एक ऐसा भक्त हुई जी हा चरण कमल प्राप्त करना चाहते काबा भगवान लकी तोला यदि गंगा पार को हूं जाना है डोगा में चढ़ के तो एक काम करना पड़ी राम न कथे एक काम करना पड़ी का कि तोला खुद कह लगी कि केवट मोर चरण ल धो और जब तक ते नहीं कबे ना तब तक तो चरण ल नहीं धो और चरण ल नहीं धो तो डोगा में नहीं बैठा रहा काबर जाना तोला है जाना बोला नहीं है। तब भगवान तरफ चितई जान की लखन तन बिहसे करुणायन बिहसे के शब्द के उपयोग वह कर हो है दोहा में अभी यहू दोहा में हो इसके मन बिहसे रघुवंश बनी। ओ तरफ सीता ओ समय सीता तरफ देख के हंसी अबे तरफ मन ही मन हंसत रहा है अबे भगवान के अलौकिक प्रेम है। कब भगवान भक्त के पीछे जिसे चाहे वैसे बन जाते सखी मन तो कहा था है जयमाला पहनान वो जयमाला पहनान भगवान राम जब सर झोंके ना जयमाला घलो पहनात भी रहा आंसू डब डबाग रहा है का बताओ घेंच है अतका पिरात है कहता है राम हाँ किससे करूँ अब रहा तो कहीं पूजा करा तब कहीं पूजा करे बेर कहूँ आरती करे बे ऐसे निहरे हस कमर के बाहर वो आरती कहूँ लंबा चल गए तो आरती करिए के आंसू डब डबाग थे का बताओ कब आरती खत्म हुई है हाँ वो आरती करा थे वो ध्यान आरती नहीं रहा है कब कब गाना खत्म कर ही आरती कब कब बंद कर ही मैं सीधा हो जाऊंगी के भगवान राम जी से गला ला नीचे रखे रहा सिर ला झुका रहा है चेथी चेथी पिराग रहा है वो कर आंसू डब डबा के रहा है। सीता मन ही मन कहे हाँ अब तो कैसे लागत है उतका बेले मैं रोए हूँ अब ते यहाँ रो इसी से तात्पर्य का है कि भगवान राम ज्ञान हरे माँ सीता भक्ति हरे भगवान कथे देख देख सीता तोरा मोर में अंतर है तोरा मोर में अंतर है मोर पर भले देरी हो जाले कि तोर पर देरी मत हो। अच्छा सीता कहे देख तोर पर याद है तब ते हम देरी मत हो कहा था कथे बने कहा था काब ते भक्ति हर देर मत कर कि सब ले दे के पहने से होकर बाद में भगवान के चरण कमल आज छुआत नहीं है गौतम दी या गति सुरति करी नहीं पर सत पक पानी मन भी से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। जब वो समय आ रही से सब राजा महाराजा मन बैठे रहा मूल राजा मन रहा है अहंकारी राजा मन रहा है कतकन साधु राजा मन घलो रहा है। सीता ला देखी सीता ला देख के सब राजा मन के मन विचित हो गल चा उड़ गए का बा जेकर बजे मन गे रही से सब राजा मन हां गे रही से। अच्छा और राजा कैसे रही तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही नीचे हम लिखी कि कूर कपूत मूल मन माखे दुष्ट रही से कपूत रही से मूल राजा रही से मन ही मन तम तम आगे और उठी उठी पहरी सनाह अभागे जहां तहां गाल बजामन लागे। भगवान राम करा है सीता हा पैर लछुए बर पैर लछुए नहीं है सब राजा मन सब बैठे हैं और जब देखी सीता के रूप ला
तो अहंकारी या दुष्ट राजा मर किसके उम्र तम तम आगे ललचा होगी कैसे पहले ले यही मन हा फैसला कर रहा है ये राजा मन है कैसे धनुष जब तोड़े वर्गीस तो धनुष तोड़े वर्गीस तो स्पष्ट लिखिस कि तम की धन ही धनु नोड़ निप उठे न चले ही लजाई मन हो पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरवाई। कई राजा एक साल बैठे रहा है कई राजा एक साल बैठे रहा है जतका बे धनुष तोड़े वर्गीस तत्का बे अब धनुष तोड़े पर गीस तो पहली कौन गीस राजा चमन गीस ना एक जन पहली उठी से एक राजा पहली उठी से अब एक राजा गीस तब कैसे गीस अपन इष्ट देवी देवता का प्रणाम करके गीस जय गणेश भगवान धनुष तोड़े पर जावत हूं धनुष टूट जा एक जन उठे रहा है ना तब कतका का राजा बैठ रहा है कई हजार राजा बैठे रहा है और लिखित का 10,000 एक साथ धनुष उठे से धरो लिखित एक राजा धनुष तोड़े बाद गीस गणेश भगवान के प्रणाम करी तो 9,999 राजा मन बैठे रहा है ओ मन हा कहा है जय गणेश भगवान जय शंकर जी एक धनुष टूटबे मत करे उठबे मत करे। अब बता भगवान मन का दिमाग खराब हो गया है दुविधा पड़ गया है कैसे करबो यार एक जन के बात ला मानन की 9,999 जन के बात ला मानन अच्छा ये जन गणेश भगवान के पाप रहे थे बाकी शंकर भगवान के पाप रहे देवता मन खलो दादा के बात ना मानो कि बेटा के बात ना मानो जे राजा जाते अपन इष्ट देवता के प्रणाम करके जाए लेकिन एक जन है इष्ट देवता के प्रणाम करे और बाकी 9,999 जे राजा बैठे आए तो मन मन ही मन विनती बिनो पाप रथ भोले शंकर बजरंग बली एकर कसे धनुष काहीं चमचो हो ओकर से देवता मन काकरो पर ध्यान नहीं दिस अच्छा चल ठीक है। अब एक साल जब लगी राजा मन एक साल तो लगी ना भूप सहस दस एक रही बारा लगे उठावन तरी नटारा ते मन उठा पहली का कर से कथे कि सबो जन मिलके धनुष ल टोरबो अच्छा मान लो धनुष टूट गए सबो जन मिला टोरबो तब सीता ते एक जन है कैसे करबो तो वो मन काय नियम बना रहा ठीक है ना भाई धनुष ल टोरबो ओ हमार सेमीफाइनल रही और फाइनल बाद में उठाबो कैसे लड़ाई करबो कर जाके और जे हो युद्ध में जीत ही ओकर सीधा हो ही तो सब का करे जब 10,000 के 10,000 जब एक साथ धनुष तोड़े पर लगीस ना उठाए पर लगीस तो कोनो उठाना नहीं चाहिए काबर सब के सब सोचे ताकत ल एकर खत्म करबो तो लड़ाई में कैसे करबो ताकत ल बचा के रखे रहो तो छिए बस रहा है लगे उठावन ना लगे उठावन ना तरई ना टारा सब का सब ऐसे धर रहा है ओहू धरे है ओहू धरे है ओहू धरे है 10,000 के 10,000 एक साथ धरे है सबो का हाथ है तेह तो ताकत ना लगा मन में वो कहा ते तो ताकत ना लगा बस नाम माता पूजा करते है ते जैसे छिए नहीं थे इसे हाथ धरते है हां वो इसने ओहू छिए है कोई उठा के प्रयास घरों नहीं करे काबर असली ताकत तो वहां युद्ध भूमि में दिखाना है कि अच्छा पहला कारण दूसरा कारण चल ठीक है उठाई सोई सब मिलके उठाई सोई लेकिन धनुष कैसे रही से मनहु पाई भट बाहु बल मनहु पाई भट बाहु बल अधिक अधिक करवाई मान लो ताकत लगाई भी होई तो सब के ताकत था जैसे जैसे लगा जा वैसे अधिक दुगुना तिगुना चौगुना उगरू हो जाए ले बता आदमी हां तो क्षमता है 10 किलो उठाए के अब 10 किलो बस उठा था ओमे मान लो कोई नान के और 10 किलो देते ओमे और 10 किलो देते ओमे और 10 किलो देते सजे में बिल्कुल नहीं सकत भाई वजन कम हुई और उठाबे और तो ज्यादा वजन देते उठा नहीं सकत धनुष भी ऐसे नहीं से कि जैसे जैसे ताकत पाच जाए वैसे वैसे वो धनुष गरु हो जाए तो भगवान अच्छा दिमाग कैसे कही पहली जब उठिस ना तो धनुष के परिक्रमा करी जानो मानो वो सिमट गए हाँ और सिमटिस तब कहीं जाके भगवान प्रणाम करके उठिस उठा के तोड़ी ए भगवान के प्रेम अलौकिक प्रेम है ये कोई लौकिक प्रेम नहीं है और प्रेम जरूरी नहीं है कि प्रेम ला हम दिखावो तब जानी है
प्रेम दिखाए के चीज नहीं हो, प्रेम बताए के चीज नहीं हो। कोई कहते कि हम प्रेम करते हैं मन से करते हैं, कोई दिखा के करते हैं, सबके अलग अलग प्रेम करे के तरीका होते हैं। भगवान के जो प्रेम है लौकिक नहीं हो बल्कि अलौकिक है। सब राजा मन लचा उड़ के जहां तहां यति होती जावा थे गुठिया थे कैसे करब कैसे करब, सब तमतमा के उठिए। कोई कहा थे सीता लक्ष्मण ले, तो कोई कहा थे दोनों राजकुमार ल पकड़ लेथन बांध लेथन, हमर रहते रहते कौन होते है मनहा कि सीता ल ले जाए। अब ई मनहरे मूड अहंकारी राजा बछरू लते हैं धन नहीं सकत भैंसल बांध देगा नहीं, एक आठ बछरू पकड़ कर तो कोई बछरू पकड़ नहीं सके, पहले के सियान और पकड़े अभी के लड़का मन नहीं सके बछरू असंगा। राजा मल्ला देखो अतका अहंकारी दुष्ट राजा जतका भी ताकत दिखाना रही दिखा नहीं सके, अब नहीं सका थे तब सब के सब वह ताकत दिखाते हम ऐसे होन नहीं दें ऐसे करन नहीं दें, तब कब लगा कर रहे। अब यही दुष्ट अहंकारी प्रवृत्ति के राजा जेकर अहंकार भगवान दूर करी। और पहली बता रहे हो धनुष के अर्थ का हरे, तो धनुष के अर्थ अहंकार हरे और अहंकार ल तोड़े बर अहंकारी राजा मन के रही से साधु और साधु राजा मन के रही से जला भगवान तोड़ करके सबके अहंकार ल दूर करी जनक के संताप दूर करी। और जो माँ सीता व्याकुल ही से ओकर व्याकुलता ला दूर करी। बोलिए राज रामचंद्र की जय। श्री राम प्रेम से बुलसिया वे रामचंद्र की जय। भजन सीतारा
तो कैसे भुला जात हो का भुला गयो न नहीं हो नहीं भुलाओ ना तो कैसे पिछवा जात हो का पिछवा जात हो ले चलो कोई बात नहीं संगे संग लो बोलो श्याम रामचंद्र की ए मन महर भजन से बसा ले रे संगी भक्ति सितारा हां भक्ति भजन
से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जतका राजा मन बैठे रहा है ओमन कथे कि जैसे भी हो एक काम करथन कि चलो युद्ध करथन ना, युद्ध करे के बाद में दोनों भाई सही जीत लेते। बात जब सुनी जो सज्जन राजा बैठे रहा साधु ओमन कथे ऐसने मनला नकटा कथे कि नाक कटा गे है ओकर बाद नाक ला ऊंचा करना चाहते। हाँ तुमन निर्लज हरो तुमन लाज नहीं लाग भाई जे समय ताकत दिखाना रही से वो समय ताकत दिखाते हो। अब सब कुछ होए के बाद ताकत दिखाना चाहते हो। यहाँ तक दुष्ट राजा मन का थे मान लो ये दोनों भाई बक उन जना का खलो सहायता कर ही तब बोल हमन पूर्ण या बाचन। लेकिन अपन ताकत अपन परिक्रम पराक्रम न दिखाबो। भगवान राम जे कथे बोल करते साधु राजा मन की हिस एमन निर्लज हो गए जत का बात करते ते मन हा का बात एक धनुष कर हर झन नहीं कहे ना पहली बता तो जे हा अच्छा रही से जे बढ़िया रही से ओमन मन ही मन प्रणाम कर लिस प्रणाम करके बैठे रहा है। अब वही मन हर साधु और जे अहंकारी रही से ये मन ताकत दिखा बर गए रही से कतको झन होते मरत ने मार खा का है झगड़ा होए तो तिया लोग का ताकत लग देख घर में जात और मार हूं ला काट हूं ऐसे किए तलवार निकाल ही चाकू निकाल ही घर के बंदू चार जन धरे रहते नहीं मत जा ऐसे छोड़ दे ले जाग के मरत ने फिर मार खा का ही एक बार मार खा का आगे है और दोबारा जाग करते हैं सज्जे में तिहल में छोड़ो नहीं बचाओ नहीं ऐसी के तो घर के मन झगड़ा शांत करवाए बर धर रहते इसे मत जाए इसी के धर रहते ताकत दिखाते थे। वैसने राजा मन रही से जब कब ताकत दिखाना रही से मैं देखाइस नहीं साधु हम कथे नीलज हो लाज नहीं लागे तुम अंदर ओ समय तुम्हार वीरता कहाँ गई ओ समय ताकत कहाँ गई। याद करो तुम्हार जत का ताकत रही से जत का वीरता रही से वह धनुष के साथ सब के गए सब के अहंकार टूट गए। ऐसने दुष्ट प्रवृत्ति के रहो तेके स्थिति तुम्हार मुख में केरवस को दीस की और सही तो होगा। जत का राजा रहा है नाक कटा के कह बबर हो गए नाक मतलब सम्मान। आज भी समाज में प्रथा है हमारे समाज में कोई ऐसे अनैतिक काम करते जो चार समाज के बीच शोभा नहीं आए घर के बीच शोभा नहीं आए परिवार के बीच शोभा नहीं आए तो कथे फलाना मंडल नाक कटवा देगा तो सही के नाक नहीं कटवाए भाई वो तो मर जाए सांस नहीं ले सकते सम्मान गिर जाते। वैसे इका मन के सम्मान हा कामे रही से धनुष में और कैसे यदि वो धनुष के पास नहीं जाती तब सम्मान रही से और धनुष के पास यदि गिर मतलब वो सम्मान से की हंसी जग हंसी कराई चार जन के बीच में कहूं तो हंसी होते फधिता होते वो का काम के केस के ईर्ष्या घमंड क्रोध एला छोड़ दो और छोड़ के यदि देखना चाहत हो तो का लख देखहु राम ही नयन भरी तज ईर्ष्या मधुको और लखन रोष पावक प्रबल जान सलब जनी हो। कथे अभी भी समय है मूर्ख राजा मन समझात रहा है बोलत रहा है साधु राजा मन कि तुम्हार अभिमान ला त्याग दो अहंकार ला त्याग दो और जे राम है ओकर छवि के दर्शन करो और मान लो छवि के दर्शन करो तो जीवन सफल हो जाए। अब यदि ज्यादा तुम्हें ताय फाय करो अहंकारी दिखाओ तो लखन लाल हावे ओका क्रोध के अग्नि में तुम मत जलो की सही बात है। भगवान के सुंदरता अक्का रही से कई राजा ऐसे रही से जब सुंदरता देखे देखे के बाद खुद भूल गए। जब यही राम हा फुलवारी में गीस तब फूल टोट टोट एक जन सखी देख पा गई
और जब सखी है देखी तो ऐसे वही पगली होकर रहा है। दूसरा सखी मन पूछे का देख डरे वो का देख रहे, तो कहते का बताऊं सखी, तू जहां राजकुमार है बाद में, वो अतका सुंदर है, अतका सुंदर है।